बहुत सारे लोग आजकल आते हैं, मन नहीं लगता कहीं भी। बहुत लोग आते हैं, कहीं भी मन नहीं लगता, नींद आती है, नींद का सुख नहीं मिल रहा है। एक एक अजीब सी उदासी रहती है मन में। सब कुछ है लेकिन एक संतोष की फीलिंग नहीं है। ये भी नहीं कि इच्छाएं हैं, आगे आ जाओ, अरे यहाँ बैठ जाओ। ये भी नहीं कि इच्छाएं बहुत हैं, सब कुछ है पर एक आंतरिक जो संतुष्टि और खुशी होती है वो नहीं है। क्या है ये? मैं बहुत सुनाता हूँ ये, और सबको ये रहस्य मालूम होना चाहिए। कल भी बाबा के सब थे, हम उस पर आ रहे हैं। ये वो समय आ गया है, मैंने बाबा के वो शब्द नोट कर लिए थे जीवन में, एक दिन आएगा सबके हिसाब किताब चुकतु होने की गॉडली मिशनरी बहुत तेज हो जाएगी। अब वो समय आ गया है, अब हिसाब किताब का चक्रव्यूह पूरा होने का चक्रव्यूह प्रारंभ हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है, सभी के जन्म जन्म के विकर्म अब जागृत होने लगे हैं। वो विदाई लेंगे, ध्यान से सुनने सभी सुनाएंगे आप ये संसार को। ये संसार की समस्याओं का बीज है, कारण है। सब के अंदर उनके विकर्म जागृत होंगे, होने शुरू हो गए। किसी को नींद नहीं आएगी, कोई डिप्रेशन में जाएंगे, कोई बिना मतलब ही बेचैन सा फील करेंगे, अशांति की फीलिंग में रहेंगे। इस समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए जो बुद्धिमान हैं उन्हें योग अभ्यास बढ़ाकर अपने विकर्मों को तेजी से नष्ट करना चाहिए। वो जागृत होंगे तब चैन से नहीं रहने देंगे, इससे ही सबके विकर्म विनाश होंगे। कई तरीके होंगे विकर्म विनाश होने के। विनाश काल में थोड़े बता देता हूँ, जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु, भूकंप शुरू हो जाएंगे, जल्दी जल्दी मरेंगे, जल्दी जल्दी जन्म, एक एक साल में पुनर्जन्म, डेढ़ डेढ़ साल में पुनर्जन्म, क्योंकि जन्मने में और मरने में सबसे ज्यादा सजाएं मिलती है। ये बाबा के माँ बाप सुना, मेरी बात नहीं है ये। नींद ना आना, डिप्रेशन होना, भटकती आत्माओं का प्रकोप होना, ये विकर्म नष्ट करने के साधन बनेंगे। ज्यादा विकर्म भी नष्ट होंगे। अब इनसे हमें विकर्म नष्ट कराने हैं या योग बल से करने हैं, सब सोच लें। इसलिए अलबेलेपन को छोड़कर गहन तपस्या में लगेंगे।